अल्लाहम दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद असगर मैं डॉक्टर असगर यूट्यूब चैनल से आपके लिए हाजिर हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोंकी पॉक्स के बारे में मोंकी पॉक्स क्या है ये कैसे फैलता है इसकी अलामत क्या है क्या इसका इलाज मुमकिन है इससे बचाव कैसे मुमकिन है आज की ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तेईस जुलाई इसको डब्ल्यू एच ओ ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे पेंडेमिक आउटब्रेक डिक्लेयर किया यानी मोंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी के तौर पर डिक्लेयर किया है ये एक वायरल बीमारी है यानी जो पॉक्स वायरस यानी मॉकी पॉक्स वायरस से फैलता है इसका टाइम पीरियड यानी ये पाँच दिन से इक्कीस दिन के दरमान इसके सिम्टम ज़ाहिर होना शुरू होते हैं इसके जो लेटेस्ट यानी क्लासिकल टाइम पीरियड है वो दो वीक से चार वीक के दरमियान है अब तक ये वायरस इकहत्तर मुख्तलफ यानी इकहत्तर मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर इसके केस रिपोर्ट हो चुके हैं उनमें आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड उनमें इसके केस जो है ना बहुत ज़्यादा हैं अब तक पूरी दुनिया में अठारह हज़ार दो सौ दो केस रिपोर्ट हुए हैं जिनमें स्तानिया के अंदर सबसे ज़्यादा हैं अब जो इकहत्तर मुख्त ममालिक में ये फैल रहा है उनमें पाकिस्तान भी है पाकिस्तान के अंदर भी इसके कुछ केस जो है ना वो रिपोर्ट हुए हैं अब रिसेंटली मैं कल एक फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट पढ़ रहा था मेरा दोस्त है डॉक्टर मोहम्मद रिजवान अर्शद बहावलपुर से वो बिलोंग करता है उसने अपनी पोस्ट में पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जो है ना मुखातब किया और कहा है कि हमारी पाकिस्तानी कौम को मॉकी बॉक्स के बारे में बताएं कि यह एक नया वायरल आउटब्रेक हो रहा है ताकि पाकिस्तानी आवाम को इसके बारे में बताया जाए ताकि वो प्रिकॉशन इस्तेमाल करें एहतियाती तदवीरें इस्तेमाल करें और इस वायरस से यानी कि इसकी वायरस की अलामत क्या है इससे बचाओ कैसे मुमकिन है किस तरह से हम इस वायरस से बच सकें ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ये एक ख़तरनाक बीमारी है जो मोंकी पॉक्स वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होती है मोंकी पॉक्स वायरस की क्लास वैरूला है यानी ये, ये स्मॉल पॉक्स की तरह का वायरस है मोंकी पॉक्स की अलामत स्माल पॉक्स की अलामत से मिलती जुलती हैं लेकिन लिटल डिफरेंट है और मोंकी पॉक्स का तलक़ चिकन पॉक्स से नहीं है मोंकी पॉक्स उन्नीस सौ अठवंजा में इस वक्त दरियाफ्त हुआ जब रिसर्चर रिसर्च के लिए रखे गए मोंकीज़ की कलोनी में पॉक्स जैसी ऐसी बीमारी फैलने लगी गर्चाइस का नाम मोंकी पॉक्स है इस बीमारी का सोर्स नाम तहम अफ्रीकन रोडेंट और नॉन ह्यूमन पेमेंट जैसे बंदर वायरस का सोर्स हैं और लोगों को मुतासर कर सकते हैं मोंकी पॉक्स का पहला इंसानी केस उन्नीस सौ सत्तर में रिपोर्ट हुआ था दो हज़ार बाईस में फैलने से पहले कई सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीकन ममालिक के लोगों में मोंकी पॉक्स के केस रिपोर्ट हुए थे इससे पहले अफ्रीका से बाहर के लोगों में मोंकी पॉक्स के तरीबन तमाम अलग तो इन ममालिक के इन लोगों से था जो इंटरनेशनल सफर करके आए थे जहाँ ये बीमारी आम तौर पर होती है या फिर इंपोर्टेड शुदा जानवरों के जरिए होती है इसके केसेस कई के ममालिक में रिपोर्ट हुए हैं मोंकी पॉक्स की इलामत में शामिल है फीवर हेड एक मसल एक्स और कमर का दर्द सवेलन नोड चिल्ज एग्जॉशन यानी सांस की अलामत मसलन गले की सोजिश नाक का बंद होना या खांसी वग़ैरह इसमें शामिल है इसमें पूरे जिसम यानी फेस मुंह के अंदर और जिसम के दीगे हिस्सों पर ज़ाहरी बलस्टर बनते हैं जैसा कि हाथ पाँव सीने पीनस और एनस भी शामिल हैं बलस्टर मुकम्मल तौर पर ठीक होने से पहले मुख्त फेज़ों से गुजरते हैं आम तौर पर दो से चार हफ्तों तक ये रहते हैं बाज़ात लोगों को पहले बलस्टर बनते हैं इसके बाद दीगर अलामत ज़ाहिर होती हैं दीगर अलामत में ख़ारिश और पहली जो अलामत जिनका मैंने जिक्र किया वो हो सकती हैं मोंगी पॉक्स मुखलिफ तरीक़ों से फैलता है ये वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स के जरिए फैल सकता है यानी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्श रैश और स्कैब ऑफ ब्लडी फ्लूड रिस्परेटरी सिक्रेशन ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग फेस टू तो फेस कॉन्टैक्ट और ड्यूरिंग द एंटीमेट फिजिकल कॉन्टेक्ट साचे किसिंग क्लोडिंग और सेक्स वगैरह से भी फैल सकता है और टचिंग में टचिंग एटम्स और टचिंग एटम्स सच एज क्लोथिंग, लियन दैट प्रीवियस टच द इन्फेक्शियस रैश और बॉडी फ्लूड्स और इसके अलावा प्रेगनेंट पीपल कैन सेपरेट वायरस थ्रू देयर फीटस थ्रो द प्लेसेंटा ये भी मुमकिन है कि लोगों में मुतासरा जानवरों से मंकी पॉक्स फैल सकता है ये जानवरों के नोचने या काटने या गोश्त तैयार करने या खाने या किसी मुतासरा जानवर की मसनूआत इस्तेमाल करने से मोंकी पॉक्स फैल सकता है मोंकी पॉक्स की अलामत शुरू होने से लेकर इस वक्त तक फैल सकता है जब तक कि ख़ारिश की इलामात मुकम्मल तौर पर ठीक ना हो जाए और जल्द की एक ताज़ा तय ना बन जाए बीमारी आम तौर पर दो से चार हफ्तों तक रहती है जिन लोगों में मोंकी पॉक्स की इलामत नहीं होती वो वायरस को दूसरों तक नहीं फैला सकते इस वक्त ये मालूम नहीं है कि मोंकी पॉक्स कैन सेपरेट थ्रो सीमन और वीजनल फ्लूड मोंकी पॉक्स से कैसे बच सकते हैं मोंकी पॉक्स से बचने के लिए दर्ज झेल इकदाम करने चाहिए अवॉइड द स्किन टू स्किन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द पीपल हु हैव रैश दैट लुक लाइक मॉकी पॉक्स डू नाट टच द रैश और आफ स्कै ऑफ पर्सन विद मॉकी पॉक्स डो नॉट किस हग और है सबन व हैव मकी पॉक्स खाने की उन चीज़ों यानी कि खाने की चीज़ें उन लोगों के साथ शेयर ना करें जिनको मोंकी पॉक्स हो और डू नाट टच और हैंडल द बेडिंग टावल और क्लॉथिंग प परसन व हैव मोंकी पॉक्स वॉश यूअर हैंड विद दूप एंड वाटर ऑफ यूज एल्कोहल बेस्ड हैंड सीटाइजर एनिमल से प्रेस जिन के ज़रिए फैलता है Also आलसो अवॉइड दिक्क और डेड एनिमल एज वेल बेडिंग और अदर एनिमल मटीरियल दे हैव टच मॉकी पॉक्स वाले लोग सेहत के बुनियादी असूलों पर अमल करें अलग रहें अगर आपको बुखार या सांस की इलामत बशमुल गले की सोजिश नाक का बंद होना या खांसी तो आप फ़ौर डॉक्टर से रबता करें अपने आप को बाकियों से अलग कर लें अपने जख्म को डांपना चाहिए और मास्क पहनना चाहिए मोंकी पॉक्स के इन्फेक्शन ख़ास तौर पर कोई इलाज नहीं है अगर हम इसके इलाज की बात करें तो मोंकी पॉक्स वायरस के इन्फेक्शन का ख़ास तौर पर कोई इलाज नहीं मंकी पॉक्स और समाल पॉक्स एक ही जीनस के वायरस हैं जिसका मतलब है कि समाल पॉक्स के लिए तैयार की गई एंटी वायरल अद्वियात और वैक्सीन को मंकी पॉक्स वायरल के इन्फेक्शन के लिए इन्फेक्शन को रोकने और इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है एंटी वायरल ड्रग जैसे कि टोकोवेरीमेट जो बाज़ार में टोपोक्स के नाम से अवेलेबल है इन लोगों के लिए तजवीज़ की जा सकती है जिनके शदीद बीमार होने का इम्कान ज़्यादा होता है जैसे कि कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले मरीज़ आई वी पेशेंट डायबिटिक पेशेंट हु हैव टेकिंग साइटोटॉक्सिक मेडिसन और ल्यूकेमिया वाले पेशेंट अगर आपको मोंकी पॉक्स की अलामत हैं तो आपको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात करनी चाहिए और फ़ौर अपना डी एन ए टेस्ट करवाना चाहिए तो आज की ये बात सारी बातें आप आई होप कि आपकी ये इंफॉर्मेशन में जो है ना इजाफा करेंगी आज की ये वीडियो मेरी मोंकी पॉक्स के ऊपर थी और आई होप कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और आपको पता चल गया कि मोंकी पॉक्स है का ये कितना ख़तरनाक है और इससे बचा कैसे जा सकता है जिन दोस्तों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल